नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जितने उम्मीदवारों को अपनी किस्मत आजमानी थी, जिस जिस पार्टी से जिन्हें टिकट मिलना था, जिनका टिकट नहीं मिला तो जिन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना था, वो सारे उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने की तैयारी में जो थे, उनकी तारीख, पर्चा दाखिल की तारीख आज खत्म हो गई, आज मियाद पूरी हो गई। और इस तरह से हरियाणा में जितने उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में ताल ठोकना था, उनके नाम आज सब अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जिलों में नामांकन प्रक्रिया में दर्ज हो गए। इसमें एक दिलचस्प बात यह हुई कि दो हफ्ता पहले तक ये लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कुछ गठबंधन होगा, कुछ 4-6 सीटों पर बात चल रही थी, आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन आखिरकार ऐसी नौबत आई कि आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और सारे उम्मीदवारों ने पर्चे भर दिए। तो अगर आज देखें तो आज जो पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था, तो आज की तारीख में 90 उम्मीदवार कांग्रेस के, 90 उम्मीदवार बीजेपी के, 90 उम्मीदवार जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के, जिसमें 70 जेजेपी और 20 आजाद समाज पार्टी, 90 उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय चौटाला की पार्टी और बीएसपी, जिसमें 53 अभय चौटाला की पार्टी और 37 बीएसपी, और इसके अलावा बहुत सारे निर्दल। इन सब उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल की मियाद आज आखिरी दिन था, इसलिए पर्चा दाखिल हो गया। अब 16 तारीख को पर्चा वापसी का आखिरी दिन है, तब तक पता चलेगा कितने बचे निर्दलीय या जो अलग अलग दलों से बागी हुए उम्मीदवार, उनमें से कितने बाहर आते हैं और फाइनल शेप क्या होता है। लेकिन लॉक हो गया, जो कहते हैं कि कौन कौन आखिरी वक्त तक उम्मीदवार बनेगा, सबकी उम्मीदवारी आज लॉक हो गई। और इस बीच ये भी हुआ, एक बड़ी खबर आई आज हरियाणा से कि 6 महीने के भीतर जो संवैधानिक बाध्यता होती है कि 6 महीने के भीतर एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक ना हो, तो इसलिए उस अंतराल से बीजेपी चूकी और उसके बाद मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक बुलाकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी पड़ी और राज्यपाल ने आज विधानसभा भंग करने को नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो एक तरह से विधानसभा भंग हो गई हरियाणा की। उसके नतीजे क्या होंगे, और सबसे बड़ी बात जो शुरू में मैंने कहा कि अब अगर हरियाणा में दो बड़ी पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी और दो बाकी गठबंधन, जैसा मैंने बताया आजाद समाज पार्टी और जेजेपी और बीएसपी और लोकदल, इनके गठबंधन के उम्मीदवारों के उतरने के बाद, नामांकन के बाद, तमाम दावपेच के बाद, कुछ के टिकट कटने के बाद, बीजेपी में बगावत के बाद, जो बहुत खबरें शुरुआती लिस्ट में ही आई थी कि बीजेपी के एक दर्जन से ज्यादा बागी ऐसे हो गए जिन्होंने ताल ठोकने का ऐलान किया था, उन सब का क्या असर हुआ, और अब यहां से जो चुनाव की रणनीति बनेगी, चुनावी सभाएं रैलियां होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी 14 तारीख को रैली है कुरुक्षेत्र इलाके में, उन सब का क्या असर होगा और आगे क्या दिशा होगी, इस पर बात करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को बुलाया, दोनों हरियाणा के हैं। कोशिश करते हैं हम कि जो हरियाणा की राजनीति को बारीकी से जाने हम सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं यहां से वो अनुमान अंदाजा नहीं लगा सकता, जो लोग वहीं हैं वहीं रहते हैं, हालांकि रविंद्र स्योरान साहब दिल्ली में रहते हैं लेकिन हरियाणा के रहने वाले हैं, चरखी दादरी के, जहां की विनेश फोगाट हैं, और दूसरे हेमंत अत्री साहब रोहतक में रहते हैं, लेकिन लगातार आप हमारे चैनल पर और तमाम चैनल पर हेमंत अत्री साहब को देखते होंगे, कई अखबारों में सीनियर पोजीशन पर है, बहुत विस्तार से पर्चा नहीं कराता हूं। लेकिन पहला सवाल जानने की ये कोशिश करेंगे कि नौबत आई क्यों कि विधानसभा भंग करनी पड़ी, और उसके बाद कि अब उम्मीदवारों के नामांकन के बाद आज की तारीख में जो भी जितना भी पर्चा दाखिल होना था वो सब लॉक होने के बाद हरियाणा की तस्वीर क्या दिख रही। लेकिन पहला सवाल रविंद्र चौरान आपसे, चूंकि आप 2-3 दिन से लगातार इस पर काफी मुखर होकर बोल रहे थे कि अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी पड़ी और विधानसभा भंग हो गई आज, तो यह नौबत आई क्यों और इससे क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी के संदर्भ में देखें। जी नमस्कार। ये नौबत जैसे आपने बताया कि 6 महीने का जो वक्त था उसको, उसमें एक मीटिंग होना जरूरी थी लोक विधानसभा की, जो कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 174 इसको मैंडेटरी करता है, ये सरकार वो करने में चूक गई। वो चूकी इसलिए क्योंकि सरकार ने कुछ ऑर्डिनेंसेज लेके आई थी, अध्यादेश पारित किए थे, और उन अध्यादेशों को जरूरी होता है कि सदन का जो पहला सत्र होगा, विधानसभा जिस दिन पहली बार बैठेगी, उसमें उन ऑर्डिनेंसेज को पेश करना पड़ता है और उसके बाद उनको रेगुलराइज कराना पड़ता है। अब सरकार ने जो ऑर्डिनेंसेज लेके आई है वो नौकरियों से जुड़े हुए ऑर्डिनेंसेज हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, इस तरह के ऑर्डिनेंसेज हैं। तो सरकार शायद ये चाहती होगी कि अगली जो सरकार आए
वो इस पर फैसला ले और हम लोग इस पर कोई फैसला ला लें। तो ऑर्डिनेंस का जो जीवन है वो है 6 महीने का। अब अगली सरकार आएगी वो ऑर्डिनेंस पर तक फैसला लेगी। आज जो कल जो सिफारिश की गई थी राज्यपाल ने उसको मान लिया है। अब हरियाणा में विधानसभा नहीं है, अब नायब सैनिक को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और 14 तारीख को जैसे आपने बताया जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका स्वागत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। ये हुआ हरियाणा में। अब इस पर सवाल ये उठता है कि जो सरकार संविधान के अनुच्छेद संविधान के नियमों का पालन नहीं कर सकती है वो सरकार मेरे फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतना बड़ा क्राइसिस आया हो। ये अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो न कभी संसद ने देखा है न कभी विधानसभाओं ने देखा है। इसके पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इतना पहले उनको भंग कर देना पड़ा हो, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो संविधान के नियमों की पालना नहीं करना चाहते अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। तो ये एक गंभीर संकट है और इस वजह से आज ये राज्यपाल ने, खैर राज्यपाल को तो बाउंड होते हैं जो कैबिनेट की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से, अब जो आगे की स्थिति होगी उसमें, अब इलेक्शन जो हरियाणा में होगा वो भी राष्ट्रपति शासन के तहत होगा, हमारी जो बातचीत हुई है संविधान विशेषज्ञों से उसके अनुसार। जी सर, दत्री साहब, इसमें एक ये भी प्रावधान है कि राज्यपाल चाहें तो केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बनाए रख सकते हैं, और इसमें असेंबली डिजॉल्व करने की प्रक्रिया पहले भी कई बार हुई है, वो अपने फायदे के लिए हुई है कि अर्ली चुनाव, मुझे लगता है 99 में शायद चौटाला ने में 99 या उसके बाद, मतलब ये अलग अलग राज्यों में समय समय पर हुआ है कि अर्ली आपने चुनाव करा लिए ताकि आपको लगा कि इसमें आपका फायदा, शायद हुडा ने किया था शायद 2009 में, तो ये अलग अलग समय हुआ है। और यहाँ जितना मैं समझ रहा हूँ संवैधानिक विशेषज्ञ ज्यादा बताएंगे कि ये प्रावधान है कि वो केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं असेंबली भंग होने के बाद, तो इसमें क्या दिखता है आप, चूंकि आप भी इसके जानकार हैं वो, और उसके बाद इसके मायने अगर बीजेपी के लिए प्लस मायने। अजीत जी, एक तो बहुत बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे और केयर टेकर ही कैबिनेट बनी रहेगी, लेकिन उन पर एक बार होगा कि वो कोई भी बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते ड्यूरिंग दिस, जब तक चुनाव होते नई सरकार में, ही विल ओनली रिमेन एज ए केयर टेकर। विधानसभा भंग हो गई है, सारे विधायक पूर्व विधायक हो गए हैं, और जो कैबिनेट है मुख्यमंत्री और मंत्री दे कैन कंटिन्यू एज केयर टेकर होंगे। एक तो ये इसमें व्यवस्था है जो आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा, ये क्यों हुआ ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके दर्शकों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, देश के इतिहास में ये पहला अवसर है, और ये क्यों हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की उन चीजों को एक्सपोज करता है जो आजकल का मीडिया कवर नहीं करता। आपको पता है कि भारतीय जनता जिस दिन यह विधानसभा जब आप भंग कर रहे हैं, अब इस समय भारतीय इसमें जो विधानसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो 81 है, 81 आउट ऑफ 90, 9 रिजाइन करके चले गए, इधर चले गए उधर चले गए, उनमें से बीजेपी के पास 41 एमएलए हैं, 81 में से 41, मीनिंग देयर बाय कि बिल्कुल थिन मेजोरिटी पे है वो। अब मैं असली बात बताना चाहता हूँ आपको कि हुआ क्या है। चूंकि विधानसभा का चुनाव जो नायब सिंह सैनी है उनकी अपेक्षा से पहले घोषित हो गया, हमने पहले भी कई बार इस पर बात की है, तो 16 अगस्त को चुनाव घोषित हो गया विधानसभा का 2 बजे, और 17 अगस्त को नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की मीटिंग बुला रखी थी, और उस मीटिंग के अंदर ऐसा कहा जाता है, मैं उससे स्वीकार नहीं करता, सहमत नहीं होता, इनका यह दावा है कि हम 17 तारीख को विधानसभा के सेशन की तारीख फिक्स करने वाले थे, विच इज नॉट द केस अदरवाइज, वो मत बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या था बेसिकली, आपको पता है उस टाइम भगदड़ मची हुई थी, कोई जेजेपी से भाग रहा था, कोई यहां से भाग रहा था, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा था, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा था, लाइक दैट। तो पहली बात तो ये हुई सत्र ना बुलाने का कारण कि 16 अगस्त को चुनाव डिक्लेयर हो गया, इनको बहाना मिल गया, जबकि ये कैबिनेट बुला सकते थे सेशन के लिए, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि जो इनको बार करे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाई। फिर अब 13 सितंबर लास्ट डेट थी, 12 सितंबर एक्चुअली, 13 मार्च को लास्ट सेशन हुआ। अब स्थिति क्या हुई वो जानना बड़ा इंटरेस्टिंग आपके दर्शकों के लिए। इस समय अगर 16 अगस्त के बाद सेशन बुलाते तो 81 आपकी स्ट्रेंथ टोटल विधानसभा, 41 बीजेपी के एमएलए, लेकिन
इंटरेस्टिंग बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 14 एमएलए की टिकट काट दी है, लेकिन फिर भी वो एमएलए तो रहते हैं ना इस सेशन में, तो इस हाउस में, तो इन केस अगर उनमें से कोई बगावत करता तो सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, और जिसकी प्रबल संभावना है आप रोज देख रहे हैं जिस तरीके से बगावत हो रही है। तो ये एक बहुत ही सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के प्रति निष्ठा को एक्सपोज करना चाहते तो तब भी बुला सकते थे, तब भी ये बात थी कि भाई ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, धक्के से चला रहे हैं, केंद्र की उससे चला रहे हैं, राज्यपाल की उससे चला रहे, तब नहीं बुलाया सेशन, और उसके बाद भी नहीं बुलाया, जबकि 16 अगस्त के बाद सेशन बुला सकते थे, आपको कोई कानून नहीं रोकता। मेरा यही कहना है, मेरा यही है कि जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं और जान रहे हैं, रविंद्र सेवरान भी लगातार 3-4 दिनों से मैं देख रहा था ट्विटर पर इधर उधर बात कर रहे हैं, तो भाई ये तो उन्हें भी पता है जो सरकार चला रहे हैं, भाई 6 महीने की मियाद में नहीं बुलाओगे तो डिजॉल्व करना पड़ेगा, तो उन्होंने ये कैलकुलेटेड किया होगा, ये ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पता ही नहीं चला रहे कैलेंडर में तारीख पता, ओ शिट ये तो 6 महीने हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो ये इसी को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या क्या सोच कर किया। एक दलील उनकी थी शिवराम साहब की, बहुत सारे ऑर्डिनेंस की, और वो भी वाजिब बात हो सकती है कि गले में अभी कोई हड्डी नहीं, गले में फंदा नहीं डालना चाहते हैं, तो इसलिए चलो टाइम बाय किया, बेसिकली टाइम बाय भी, और उसके बाद पता नहीं हम आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा, तो अभी हम उसको उस मतलब लफड़े पचड़े में क्यों पड़े, एक हो सकता है। दूसरी और कोई वजह जो आप बता रहे हैं उसमें बेसिकली था कि देखिए वो घोषणा कर दी, आप इसमें अजीत जी इंटरेस्टिंग बात क्या है, 120,000 कर्मचारी जो थे कौशल रोजगार विकास निगम के, वो तो बेचारे ठेके के हैं, इन्होंने क्या घोषणा की कि आपको रोजगार का प्रोटेक्शन दिया जाएगा अप टू 58 इयर्स ऑफ एज, लेकिन एक रेगुलर एम्प्लॉय वाली सारी फैसिलिटी नहीं मिलती उसमें, तो सारी उम्र के लिए इनके ऊपर एक कलंक लगता है कि कहने को इन्होंने सो कॉल्ड रेगुलर भी कर दिया, और इन्हीं के समकक्ष जो दूसरे हैं इनके वेतन भी कम है और सुविधाएं भी कम, तो जिंदगी भर के लिए बीजेपी के ऊपर एक ये रहता है कि इन्होंने इस तरह का एक फैसला किया। और आपको बताया 1,20,000 कर्मचारी थोड़े नहीं होते, बहुत हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर बहुत हो, 1,20,000 परिवार है एक्चुअली, वो तो एक परिवार में अगर 4 आदमी माने तो 4,80,000, तो इन्होंने घोषणा तो कर दी, नोटिफाई भी कर दिया 14 अगस्त को, लेकिन उसको ऑर्डिनेंस को रेगुलराइज नहीं करा पाए, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। और उसके बावजूद भी अगर ये चाहिए आप उसको भी टालते तो भी हाउस बुला सकते थे, मैं फिर कह रहा हूँ कोई प्रोविजन हाउस बुलाने से नहीं रोकता इनको, आपको ध्यान होगा कोविड के दौरान भी सब कुछ नहीं, उसमें एक संकट तो था ऑर्डिनेंस अगर कुछ था जिसका जिक्र चौरान करे, ऑर्डिनेंस की 6 महीने की मियाद है कोलैप्स करता, हालांकि उसका भी दूसरा पहलू ऑर्डिनेंस दोबारा 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, एक बार और ऑर्डिनेंस आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर सब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, कोड ऑफ चीज है उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो बेसिकली बीजेपी ने अपनी एम्बेरसमेंट को अवॉइड करने के लिए हरियाणा की विधानसभा को 52 दिन पहले कार्यकाल में, अभी 52 दिन बचे हुए आज, 52 दिन पहले भंग कराया है, और जैसा पहले कहा कि आज तक के भारत के इतिहास में इस तरह की संवैधानिक स्थिति कभी नहीं आई, उसके जो कारण है वो मूल रूप से दो ही है कि बीजेपी वांटेड टू अवॉइड दिस एम्बेरसमेंट जो उसने खुद इन्फ्लिक्ट की है अपने ऊपर, मैंने और आपने या किसी और ने नहीं की, उनके खुद के कारनामे है। जी रविंद कुछ और कहना चाहते हैं, इस पे कोई पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं? नहीं नहीं इतना ही है सर, इसमें तो कि ये एक बड़ा संकट है और इसके पहले कभी देखा नहीं गया, हम लोग लगातार ये खबर चलाते रहे अपने चैनल पर कि किस तरीके से सरकार जो है वो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पाने में कामयाब नहीं रही और जिसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। अगर हरियाणा में आर्टिकल 356 इन्वोक होता है और राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो राज्यपाल की रिकमेंडेशन यूनियन मिनिस्ट्री को जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति उसको लगाएंगे, तो ये पूरी एक एम्बेरसमेंट जो है वो सिचुएशन यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी करेगी कि जो सरकार है अल्टीमेटली तो यूनियन मिनिस्ट्री को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी को इम्पोज करना है राष्ट्रपति के माध्यम से, तो उनको भी कहीं ना कहीं लपेटे में नायब सैनी की सरकार ने ले लिया है अपने फॉर द पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। और इस तरह की घटनाएं क्योंकि पहले कभी हुई नहीं, जाहिर है ये संविधान विशेषज्ञों के लिए एक बहुत ही अचरज भरी बात है कि कोई सरकार भला 6 महीने तक विधानसभा के सत्र को क्यों नहीं बुला पाती है। सही बात वही मैंने कहा, इसलिए कि हम सबको पता है तो उनको भी पता होगा। लेकिन अब वापस आते हैं उस मुद्दे पर जिससे हमने बात शुरू की कि आज चूंकि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई, जितने उम्मीदवारों को ताल ठोक कर उतरना था उतर गए, जितने अनुमान कयास लगाए जा रहे थे कि इनका टिकट कटेगा इन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो बागी हो जाएंगे, वो सारे कयासों की भी मियाद आज पूरी हो गई।
रामविलास शर्मा का जो जिक्र आ रहा था, बहुत सारे लोगों को कि शैलजा लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, रणदीप सुरजेवाला लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो सारी बातें आज खत्म हो गई। आज की तारीख में आप ही से शुरू करते हैं रविंद्र चौरान, आज की तारीख में जो उम्मीदवारों की लिस्ट पूरी आ गई है हर पार्टी की, जिसमें एक एक एंगल आम आदमी पार्टी का जरूर जुड़ गया, जो 7-8 दिन पहले तक नहीं लग रहा था, लग रहा था मैनेज हो जाएगा, और वो आम आदमी पार्टी, हालांकि मेरे पास लिस्ट है कि आम आदमी पार्टी को पहले विधानसभा में कितने वोट मिले, आज की तारीख में आप कहां देखते हैं आप हरियाणा में नतीजों की दिशा, आम आदमी पार्टी को? नहीं नहीं, ओवरऑल नतीजों की दिशा में बोल रहा हूँ। देखिए अजीत जी, ये बिल्कुल इशू बेस्ड बाईपोलर क्लियर कट इलेक्शन है, इसमें आम आदमी पार्टी के लिए या जेजेपी के लिए फिलहाल कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जरूर 5,000-6,000 वोट ले सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नतीजों में उसका कोई असर पड़ेगा, ऐसी स्थिति फिलहाल कहीं दिख नहीं रही। ऐसा कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का नहीं है जो इस तरह के असर डाल सके या कहीं से ज्यादा सीट ले जाने की क्षमता रखता हो, कहीं ज्यादा वोट ले जाने की क्षमता रखता हो। ये मूल रूप से एंटी इनकम्बेंसी का इलेक्शन है और इशू बेस्ड है, पुअर गवर्नेंस, जिसमें फीडबैक रिड्रेशल का कोई सिस्टम नहीं था, लोगों की जो समस्याएं थी उसको एड्रेस करने में सरकार नाकाम रही, इन्हीं मुद्दों की इर्द गिर्द घूमता हुआ ये चुनाव है। और देखिए, बगावती तेवर भी जिस तरह से बीजेपी में अख्तियार किए गए थे, कांग्रेस में भी देखे गए, कई नेताओं ने बगावती तेवर अख्तियार किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो सब हुड्डा की सहमति, हुड्डा के इशारे पे और हुड्डा के प्रभुत्व को दर्शाता है। हुड्डा के अगर हम लोग टिकटों को देखें तो करीब 70-75 टिकटें ऐसी हैं जिनको हुड्डा ने बांटा है, और बची हुई टिकटें सब नेताओं ने आपस में बांट ली हैं, उसमें सेंटर की लीडरशिप भी है। लेकिन जो दो मुख्य जो हाईलाइट्स हैं उनकी ज़रूर मैं चर्चा करूंगा। एक है उकलाना की विधानसभा सीट, जहां पर शैलजा अपने भतीजे को चुनाव लड़ाना चाहती थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, और एक उसके बाजू की नारनौंद की सीट है, वहां से उन्होंने अपने बहुत ही निकटतम सहयोगी डॉक्टर अजय चौधरी को घोषित कर दिया था एक रैली में उम्मीदवार के तौर पर, और उनको भी टिकट नहीं मिला। तो ये दोनों टिकटें ना मिलना, उकलाना में तो बल्कि चर्चा ये भी थी कि शायद शैलजा खुद चुनाव लड़ें, ये उन्होंने अपने लिए वो सीट रखी थी, लेकिन ना तो शैलजा लड़ पाई ना उनके चहेते कोई उम्मीदवार वहां से चुनाव मैदान में उतर पाए, बल्कि हुड्डा के जो नज़दीकी है नरेश सेलवाल उनको वहां से टिकट दी गई है, ये एक सेटबैक है। रणदीप सुरजेवाला का कोई बहुत ज्यादा दखल टिकटों के बंटवारे में नहीं दिखा, अपनी मर्जी से वो एक टिकट दिलाना चाहते थे, वो टिकट कलायत की थी लेकिन वो टिकट वो नहीं दिला पाए। उसके अलावा अपने बेटे को टिकट दिलाने में वो जरूर कामयाब रहे, और एक सीट अजय यादव अपने बेटे को दिला पाए, वो पहले से सिटिंग MLA हैं तो उनको सीट वो सिटिंग गेटिंग में मिली जा रही थी। तो पूरा जो स्मर्क प्रभुत्व दिखा वो भूपेंद्र हुड्डा का दिखा, लेकिन कुछ यूथ कांग्रेस के लीडर्स को टिकट जरूर मिला है, जो कि सेंटर की इंटरवेंशन से मिला है, जिसमें सचिन कुंडू हैं और एक वर्धन यादव हैं, उसके अलावा पर्ल चौधरी हैं, और शारदा राठौड़ की टिकट काट के भी एक यूथ कांग्रेस की लड़की को दी गई है, और एक सीट और है ये बढ़ाना ललित नागर की टिकट को काट के भी एक युवा लड़के को टिकट दी गई है। ये टिकटें हैं जो यूथ कांग्रेस के कोटे से मिली हैं। इसके अलावा अधिकतर जो सीट हैं वो सब उन्हीं लोगों को दी गई हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी हैं। तो इस बात से ये एहसास होता है कि इस पूरे चुनाव में जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर हुआ है। कांग्रेस बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर है कि ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता रामविलास शर्मा की टिकट काट दी गई है। उन्होंने हालांकि कल नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन अब शायद खबर आ रही है कि वो चुनाव में आगे नहीं बढ़ेंगे और जो पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ के लिए ये दक्षिणी हरियाणा जो है अहिरवाल का क्षेत्र, जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है GT रोड की बेल्ट के बाद, वहाँ पर अगर रामविलास शर्मा जैसे शख्स की टिकट काटी जाती है तो उसका असर कुछ पड़ सकता है। राव इंद्रजीत भी कल उनके साथ गए थे, नामांकन पत्र जब दाखिल किया गया तो राव इंद्रजीत ने ये इशारा किया था कि वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अब उसके बाद रात में स्थितियां बदल गई, उनकी टिकटें कट गई और अब स्थितियों में काफ़ी बदलाव है। राव इंद्रजीत भी अपने कई चहेतों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, उसमें हाईलाइट ये है कि बावल एक ऐसे विधानसभा सीट है जो रिजर्व है, और वहां से कुछ रोज पहले जिस डॉक्टर ने इस्तीफा दिया था, डायरेक्टर हेल्थ थे हरियाणा में, उनको टिकट दिलाने में वो कामयाब रहे, अपनी बेटी को टिकट उन्होंने दिलवा दिया।
उसके अलावा 5-6 और अपने जो नजदीकी लोग थे उनको भी टिकट उन्होंने दिलवा दिया है। तो इस तरह से 2-3 जो बड़े नेता हैं, और बीजेपी में भी ज्यादा टिकटें खट्टर मनोहर लाल खट्टर के इंटरवेंशन से ही दी गई हैं, उनके नजदीकी लोगों को दी गई हैं। मनोहर लाल खट्टर शर्मा को भी कहा जा रहा है खट्टर नहीं कटवा दिया, मनोहर लाल खट्टर ने रामविलास शर्मा का टिकट कटवा दिया ना चाहते हुए भी, ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से लड़वा दिया ना चाहते हुए भी, कैप्टन अभिमन्यु को एक बार फिर से नारनौंद में लड़वा दिया, और अनिल विज वो किसी तरीके से अपने टिकट बचाने में कामयाब हुए। लेकिन छाप पूरी की पूरी इन टिकटों के बंटवारे पर भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर की दिखाई दे रही है। ठीक है, अब एक छोटा सवाल, उसके बाद हेमंत जी के पास विस्तार से जाऊंगा फिर, कि उसके बाद ये तो आपने कहा कहां किसके टिकट कटे, किसको मिला, किसकी चली, किसके खेमे को ज्यादा मिला, किसके खेमे को नहीं मिला। लेकिन अब आज की तारीख में जो हम लोग 10-8 दिन पहले आप भी तस्वीर देख रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा एज कांग्रेस को था, बीजेपी बहुत काफी पीछे थी, आज की तारीख में कुछ बदलाव हुआ जब सारे नामांकन दाखिल हो गए, क्योंकि अब सारे पत्ते खुल गए। अभी तक कहा जा रहा था कि कुछ टिकट इधर से हो उधर से हो तब पता चले, अब सारे पत्ते खुल गए। उस स्थिति में पत्ते खुल गए हैं, लेकिन सर अभी तक स्थितियां थोड़ी सी और साफ होंगी जब नॉमिनेशन विड्रॉल की डेट आएगी। कई लोगों जैसे रामविलास शर्मा हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करेंगे। सावित्री जिंदल ने फॉर्म भरा है, उनकी स्थिति क्या रहेगी वो भी देखने वाली है। ऐसे कई सारे नेता हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जिनको मनाने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस में भी हैं ऐसे लोग, बीजेपी में भी हैं। ज्यादा स्थिति उसके बाद क्लियर होगी, लेकिन अभी भी ज्यादा बदलाव ग्राउंड की रियलिटीज में नहीं है। जो हम लोग चर्चा करते रहे हैं उसी तरह का इलेक्शन ये है, और टिकटों के बंटवारे में भी कांग्रेस पार्टी जो उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अच्छी टिकटें बांटी हैं, और अच्छी टिकटें बांटी हैं इसी वजह से ज्यादा विद्रोह देखने को नहीं मिल रहा। बीजेपी ने जो टिकटें बांटी थी उसके बाद बगावत हुई, लेकिन अब वो बगावत भी सेटल हो गई है और 1-2 दिन में कुछ और सेटलमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो स्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं है, बीजेपी के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन थी, आज भी बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी को एज था, आज भी दिख रहा है। लेकिन 1-2 दिन में जब नॉमिनेशन विड्रॉल कर लिए जाएंगे तो कुछ सीटों की स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में ज्यादा अंतर नहीं है। इश्यूज वही हैं, एंटी इनकम्बेंसी वही है, और लोग आज भी उन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। बीजेपी के लिए कई जगह पर लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है, और ये रोष बढ़ने की संभावना है जब मनोहर लाल खट्टर अपने दौरे शुरू करेंगे। जी हेमंत अत्री जी, वही बात जो ऊपर देख रहे हैं, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद क्या माहौल बदला है, जो एज था कांग्रेस को वो आपने हमारे साथ बातचीत में कहा था कि आपके हिसाब से 60+ कांग्रेस है, शायद आपने 15 बीजेपी, मतलब बीजेपी को पिछली बार के नतीजों से बहुत कम, लगभग 1/3, तो क्या स्थिति बदली अब सारे नामांकन के बाद आज की तारीख में? बार बार मैं एक राइडर लगाता हूँ आज की तारीख। देखिए अजीत जी, जैसे हमारी 3 दिन पहले संडे को बात हुई थी शाम को, उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा पोजीशन में चेंज है, एंड वी शुड ऑल एक्सेप्ट इट। और वो चेंज क्या है अभी तो देखिए, बिल्कुल सही कहा कि 16 तारीख को जब नामांकन वापस हो जाएंगे तो और स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, कौन रहा कौन गया। आज की तारीख में जो मुझे लगा और जो पूरा ग्रास रूट पे जो फीडबैक है वो ये है कि जो हम सोच रहे थे कि पूरे का पूरा चुनाव कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है, उस सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर आया है। आज की तारीख में इनेलो 10-12 सीटों पर मुकाबले करने की स्थिति में है, जो उनके पास जो इधर उधर से लोग आ गए और आ गया, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके का हुआ, और खासतौर पर रीजनल के हिसाब से। अगर आप सिरसा में देखें, सिरसा में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई है, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कांग्रेस की भी कमजोर कड़ी है रिलेटिवली विज़ेविज़ हरियाणा, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी है ही वो। आज सिरसा में क्या हुआ कि अभय सिंह चौटाला चल करके गए गोपाल कांडा के घर पे, और आपको याद होगा 3 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे आपसे, तो गोपाल कांडा को दिल्ली बुलाया गया था बीजेपी के अलायंस के लिए, ध्यान होगा आपको, 2 सीटों पर, एक गोपाल कांडा की, एक उनके भाई के लिए। तो अल्टीमेटली वो सारी सौदेबाजी और वो सब बार्गेनिंग वगैरह जो भी हुई, प्रेशर बिल्डिंग ये वो सब, उसके बाद जो हरियाणा, इनकी हरियाणा लोकहित पार्टी है शायद हलोपा, उसके साथ बीजेपी का अलायंस सिरे नहीं चढ़ा तमाम कारणों के चलते, और उसमें वो तमाम तरह के खेल भी करते हैं, वो ज्यादा मुझसे ज्यादा आपको पता है बिहार में यूपी में क्या क्या करते हैं। तो अब हलोपा का जो अलायंस है वो अभय सिंह चौटाला के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभय सिंह चौटाला की पहले बीएसपी के साथ भी पहले से अलायंस में,
दो वो चीज है प्लस ये लोग आ गए, तो कम से कम एक सिरसा डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें हैं उस पर एक चाहे मनोवैज्ञानिक की कहिए लेकिन एक प्रभाव की बात है। दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी की भी कुछ अंदर की बातें हैं, बेसिकली जो अलायंस नहीं हुआ अगर आपको ध्यान हो, इसको मैं केवल संकेतों में कह रहा हूँ, आपके दर्शक बहुत समझदार समझ जाएंगे, आपको ध्यान होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ रही थी हिमाचल विधानसभा के अंदर 20 महीने पहले, याद होगा आपको, और ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट वो अपना झोला झंडा उठा करके गुजरात पहुंच गए थे। तो वैसे नहीं पहुंचे थे, किन्हीं कारणों से पहुंचे थे, वो हिमाचल का चुनाव यू का यू छोड़ के कोई कुछ करता रहे उनको कोई मतलब नहीं, सारी पार्टी का फोकस गुजरात शिफ्ट हो गया था। तो हरियाणा में भी करीब करीब वही स्थिति, अब ये इन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं सारे के सारे, तो अब ये लगता है कि जैसे पिछली बार मेरी आपसे बात हुई तो 40 सीटों में चुनाव लड़ा था जैसा आपने जिक्र किया, और 0.48% इनकी वोट परसेंटेज आई थी सारी जमाने जब हुई। अब जब ये मल्टीपोलर मुकाबले की तरफ बढ़ रही है स्थिति, देखिए जेजेपी के हाथ पल्ले कुछ नहीं आया ये सच बात है, लेकिन इनेलो बीएसपी अलोपा और आम आदमी पार्टी, क्योंकि मल्टीपल तीन तिकोने मुकाबले तो हो जाएंगे कुछ सीटों के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर कुछ सीटों पर, जीतने की मैं नहीं कह रहा, कुछ सीटों पर जमानत बचा पाने में शायद कामयाब होगी। लेकिन इसका महत्वपूर्ण चीज कोई और है जी जी, जो मैं अगर डेटा पे आप जाएंगे 2019 का ही डेटा उठा लीजिए आप, 2019 में 24 सीट ऐसी थी हरियाणा विधानसभा में 24 out of 90 जिनका जो जीत का मार्जिन था वो 5000 से नीचे था 24, और 5 सीट ऐसी थी जिनका मार्जिन 1000 से नीचे था। तो हरियाणा रिलेटिवली बीइंग ए स्मॉल स्टेट और वोटों की संख्या कम होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पहले ये कह रहे थे ना कि आमने सामने का मुकाबला है इंडिपेंडेंट और ये नहीं होंगे, मुझे लगता है 16 को तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन कौन बच गया नहीं बच गया। आज की तारीख में कुछ इंडिपेंडेंट भी आएंगे जो इनेलो के और उसके बारे में बीएसपी और ये हलोपा वाले अलायंस की जो आज नई सिचुएशन आई है, इसके बाद कुछ सीटें उनकी भी निश्चित तौर पर आएंगी निश्चित, और मुकाबला मेन तौर पर बेशक कांग्रेस और बीजेपी का है उसमें शक नहीं, लेकिन जो ये था कि बिल्कुल आमने सामने कोई और नहीं है तो कोई और नहीं वाली सिचुएशन नहीं है, कुछ सीटें आएंगी उधर। अच्छा चलिए इसमें काउंटर सवाल है कि क्या इसमें किसी भी सूरत में आप कोई हंग असेंबली देखते हैं, किसी भी सूरत में बीजेपी की सत्ता में वापसी देखते हैं, किसी भी सूरत में कांग्रेस को बहुमत से नीचे देखते हैं? तीनों सवालों का जवाब अजीत जी नाम है, ऐसी स्थिति आज की तारीख में नहीं है, बाकी 16 तारीख को एक बार ये विड्रॉल्स वगैरह सारे हो जाए तो और विड्रॉल्स में बहुत ज्यादा अब क्या फर्क आएगा भाई, कुछ सीटें 4-6 सीटें पे कुछ मजबूत निर्दलीय है वो बैठा दे कोई बैठ जाए, बहुत ज्यादा मुझे लगता है फर्क की गुंजाइश अब विड्रॉल में नहीं रह गई। ज्यादा रोल उसमें बीजेपी वाले बागियों का ज्यादा है, कांग्रेस वाला कोई उतना बड़ा बागी खड़ा नहीं हुआ है। यहाँ तो देखिए मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर खड़े हो गए राजीव जी, कहने को रामविलास शर्मा, आप मानिए चाहे ना मानिए रामविलास शर्मा कहने को विड्रॉ कर लेंगे, हमें पहले ही पता था कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ लेंगे। कल शाम को एक बात आई कि उनको जो है गवर्नर बनाने की लॉलीपॉप आ गई है, तो वो शांत बैठ जाएंगे, नहीं आती तो भी बैठ जाते, वो इतनी हिम्मत नहीं करते मोदी के खिलाफ खड़ा होने की। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और मैं आपके दर्शकों के लिए डालना चाहता हूँ, कल रात को 12:45 तक बिल्कुल कंक्रीट मैसेज था कि सावित्री जिंदल कांग्रेस की टिकट लेकर के चुनाव में आने वाली है, हिसार से बहुत बड़ी कैंडिडेट है, और वहां पर आपका जो कमल गुप्ता है बीजेपी का वो विवादास्पद भी है और एंटी इनकमेंस। रात को 12:45 तक ये 100% कन्फर्म था कि आ रही, और जब 12:15 बजे लिस्ट आई तो सावित्री जिंदल का नाम नहीं था, जबकि दोनों तरफ से ये कन्फर्म हुआ कि हाँ बातचीत चल रही है, तो ऑल ऑफ ए सडन वो हुआ। अब जो बीजेपी की जो चीज है ना अजीत जी, उसका पूरे देश के स्तर पे देखिए वो क्या करते हैं, एक टिकट आपने बांट दी एज ए बीजेपी, उसके बाद कुछ एलाइज जब उनको पता है कि मेरा कैंडिडेट गलत हो गया है, और उस डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ एलाइज जैसे सावित्री जिंदल है, सावित्री जिंदल बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट है इस आर के अंदर, उनको हम डिस्को नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर 20,000 आदमी तो उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, 2 बार वो एमएलए रह चुकी है, उनके हस्बैंड भी एमएलए रह चुके हैं, बेटा एमपी है बीजेपी का। तो इस तरह के चंद लोग राजीव जैन जैसे हैं, वहां पर जो व्यक्ति सोनीपत में चुनाव लड़ रहा है वो कांग्रेस से गया है नया नया मेयर है मैदान, तो ऐसी सूरत में अगर उनको अपना कैंपेन चलता नहीं दिखेगा तो आपको पता है ये ओवरनाइट खेल भी करते हैं, ताकि कांग्रेस को सीट जाने की बजाय उसको इंडिपेंडेंट को जिता लो और उसको बाद में अपने साथ मिला लो, इस तरह की चीजें ये हर स्टेट में करते हैं, कोई हरियाणा उसमें अलग से एक्सेप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जैसे अब रामविलास वाली सीट है आप ठीक है वो विड्रॉ कर लेंगे सारी बात है, लेकिन रामविलास एक इंडिविजुअल कैंडिडेट नहीं है, रामविलास हरियाणा भाजपा की जड़ों में है, पूरे हरियाणा में अगर कोई एक लीडर है बीजेपी का
जिसको हर कोने पे आपको लोग जानते हैं, वो लड़ते रहेंगे तो उनको भाषण देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ, और एक ब्राह्मण का सेंटिमेंट भी होगा, हो सकता है कुछ जगह और नुकसान पहुंचाए। वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक सारी चीज, क्योंकि ब्राह्मण जो आपने उतारा, मोहनलाल बडोली होते थे पहले, जैसे ही वो अध्यक्ष बने पंडित मोहनलाल कौशिक लिखना पड़ा, नाम भी बदल दिया। याद होगा जब मनोहर लाल खट्टर सीएम बने थे तो मनोहर लाल लिखते थे, लेकिन दो ही महीने बाद उनकी नेम प्लेट पे खट्टर आ गया था। तो हरियाणा की सच्चाई है इस तरह की चीजें। तो मोहनलाल बडोली से बड़े पंडित हमेशा रामविलास थे, हैं और रहेंगे, वो चुनाव लड़े चाहे ना लड़े। और उनका एक इम्पैक्ट, उनको टिकट ना देने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर साइकोलॉजिकली जरूर होगा, ग्राउंड पे कितना होगा वो परिणाम में सामने आएगा। तो मैं उस सवाल को और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर, इसका मतलब आज भी आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को काफी एज है और कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने तीन सवाल पूछे साहब, कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है आज की तारीख में, जवाब हाँ है नंबर एक। आपने दूसरा सवाल कहा हरियाणा विधानसभा अहंग होगी, उसका जवाब ना है, विधानसभा अहंग नहीं होगी, क्लियर कट मेजोरिटी होगी। और तीसरा आपने उसमें दोनों का जवाब मेरे ख्याल आ गया है इसके अंदर, बीजेपी जहां थी उससे ना प्लस हुआ है, माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है अगर ये बागी नहीं बैठे तो, जो फॉर्मिडेबल है दो तीन, जैसे सावित्री है, राजीव जैन। अब एक सवाल है कि मान लीजिए जैसे 14 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की पहली सभा है, शायद कुरुक्षेत्र इलाके में है या करनाल में, कुरुक्षेत्र में, पेहवा में, तो प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं जब शुरू होगी और बीजेपी का पूरा कैंपेन जब शुरू होगा, तो क्या जो अभी बीजेपी बहुत बैकफुट पर या बहुत एक हताशा में या लग रहा है कि बहुत कमजोर है, वो स्थितियां कुछ बदलने की संभावना है, या जनता में इतनी नाराजगी है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीजों को लेकर कि बहुत सुधार की गुंजाइश है? कई बार क्या होता है चुनाव आखिरी सप्ताह में, आखिरी 5 दिन वोटिंग के पहले भी कुछ चुनाव की दिशा बदल जाती है या करेक्शन हो जाता है या किसी को डेंट हो जाता है। ये सवाल मुझसे है जी? जी हेमंत जी आपसे है, उसके बाद उनके पास जाऊंगी। देखिए जी, आज की तारीख में हरियाणा का जो चुनाव दिख रहा है प्रेजेंटली, आप तो फील्ड में घूम के देखो, तीन मुद्दों पर किसान मुद्दा घूम रहे हैं। नंबर एक, किसान जो बैठे हैं बॉर्डर्स पर, आज भी शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हैं 210 दिन से, और खनौरी में भी बैठे हुए, और वो बहुत जल्दी एक सम्मेलन भी करने वाले हैं जींद में 15 तारीख को। किसान एक बड़ा मुद्दा है, एक जवान दूसरा बड़ा मुद्दा है जिससे बेरोजगारी जुड़ी हुई है, और अपने क्या नाम है इसका जो अग्निवीर स्कीम जुड़ी हुई है, और तीसरा मुद्दा है पहलवान। हरियाणा में ये तीन मुद्दे सबसे ज्यादा अपेरेंटली है विजिबल। इन तीन मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करने से बचते आए, चाहे वो किसान की बात हो, एमएसपी की। आपको ध्यान होगा 378 दिन किसान दिल्ली बैठे रहे बॉर्डर पे, उनको आश्वासन देके भेजा गया था, कमेटी बनाई गई थी कि जी आपकी बातों को सकारात्मक वो करेंगे। उसके बाद उस पर क्या प्रोग्रेस हुई वही जाने, उस तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं आया। किसान आज भी उन्हीं मांगों के लिए दोबारा आना चाह रहे और 210 दिन से बैठे हुए। तो और हरियाणा में जो ग्रामीण आबादी है, दैट इज मोर देन 62%, एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जवानों का है जो यूथ है। सीएमआई का डेटा हमने आपने डिस्कस किया, 37.5% बेरोजगारी है, और किसी तरीके की नई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नया बिजनेस इंटरप्राइजेस नहीं खुल रही है, तमाम चीजें हैं। महिला पहलवानों और खास तौर पर विनेश के मैदान में आने के बाद, वो मुद्दे को जो बीजेपी अगर चाहती बैकफुट पे कोशिश करती हटाने की साइड करती, वो अब नहीं हो पाएगा। जहां जहां विनेश जाएंगी वो मुद्दा साथ चलेगा, महिलाओं की अस्मिता का, नारी अत्याचार का, वो एक वो प्रतीक है उन सारी चीजों का जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों मुद्दों पर ये प्रधानमंत्री जी की कमजोर कड़ी है, बहुत कमजोर, वीक फुटिंग पे इसको होते हैं वो। और आप ये देखिए, जब 62% आबादी ग्रामीण है, और जो ग्रामीण आबादी हमारी है वो मोस्ट ऑफ देम से अबाउट 95% ऑफ देम, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में क्या कहा था कि आपकी आय दोगुनी कर दूंगा मैं। आज विश्व के अंदर 3 साल की सबसे कम कीमत पर क्रूड ऑयल बिक रहा है, 3 साल की, और आपको रशिया से कंसेशन पे भी मिल रहा है पेट्रोल कच्चा तेल। उसके बावजूद आपने 5 पैसे तो घटाए नहीं हरियाणा के किसान के, ना महाराष्ट्र के किसान ने घटाए, ना देश के घटाए। और उद्योगपति मित्र वहां से कच्चा तेल लाते रिफाइन करके बाहर बेच रहे, वो छाप रहे पैसे। तो क्या किसान की आय दुगुनी हुई? जवाब है आय तो दुगुनी हुई नहीं, लागत दुगुनी हुई। और वो लागत हुई नंबर एक डीजल के कारण, आपको पता है डीजल जरूरी पार्ट है खेती का, बिजली उतनी नहीं होती। नंबर दो, खाद बीज और कीटनाशक, ये बहुत महंगे हुए साहब, अगर आप विज़ 2014 में तुलना करें। और जो एमएसपी का जो लाभकारी मूल्य था उसका कहीं, और गारंटी खासतौर पर,
उसका कहीं एश्योरेंस भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट इंप्लीमेंटिंग इट। तो ये किसान का एक मुद्दा हुआ। अग्निवीर के ऊपर प्रधानमंत्री जी कभी मुंह नहीं खोलते, कभी भी नहीं खोलते, और हरियाणा की वो दुखती रंग है। ऐसी सूरत के अंदर, और खासतौर पर आप देखिए, वो अलग अलग उनको टॉपिक की बात करते, उन्होंने कहा कि मैं तो चार ही जातियां मानता हूं, किसान, महिला, कमेरा। जो हमारा दलित समुदाय है, आपने पहली बात तो 2 लाख रोजगार खाली पड़े हरियाणा में सरकारी, 2 लाख रेगुलर पोस्ट 3.5 में से, और जो 1,20,000 आपने लगाए भी, वो कौशल रोजगार विकास निगम में ऐसे लगाए जो ना तो एम्प्लॉयमेंट के सारे बेनिफिट है, नंबर एक। नंबर दो, उनका सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, दो। और नंबर तीन, उसमें कहीं रिजर्वेशन का जो वो होता है वो कहीं उसको माना नहीं गया। तो दलित अदरवाइज नाराज है आपसे। तो ये सारी चीजें देखिए, 2019 में भी अगर आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जब आए थे कैंपेनिंग के लिए, केवल एक ही चीज थी जो इनको बचा गई 40 पे ले आई, वो था मीडिया का प्रोपेगेंडा। 78 से 83 दिखा रहे थे, आपको याद होगा बहुत सारे लोग, प्लस जो सबसे बड़ी था पुलवामा की घटना और बालाकोट का कथित एयर स्ट्राइक। ये दो चीजें थी जो हरियाणा में भाजपा को बचा गई उस राष्ट्रवाद की लहर में और उस पक्षीवाड़े की लहर में, वरना तब भी दिक्कत में थे। वापस लौटते हैं आपके पास, आखिरी सवाल रविंद्र सिंह श्योरान की। एक तो टिकट मिलना कटना, जातिगत हिसाब किताब देखकर टिकट दिया जाना, वो सारे फैक्टर हम लोग हर समय बात करते हैं, लेकिन अगर देखें कोर इशू, जैसे कई जगह मैं राजस्थान जब घूम रहा था तो लोकल कैंडिडेट बहुत मैटर कर रहे थे इलाके में, एक एक जगह एक एक सीट पर कि कौन कैंडिडेट है, उसको लेकर किसी का पर्सनल अफेक्शन है कि लोकल कैंडिडेट। जैसे उचाना में गया, बड़ा दिलचस्प देखा उचाना में कि वहां लोकल कोई कैंडिडेट को लेकर कि वो सब जगह जाता है मिलता है। सेम मैं जुलाना में देखा कि जुलाना में कुछ लोग ऐसे मिले जो लोकल कैंडिडेट हैं, विनेश फोगाट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जो सिटिंग जेजेपी का है। हालांकि जेजेपी की पूरे हरियाणा में क्या स्थिति हम सब लोग जानते हैं, सब लोग की राय यही है 0-1 हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। दुष्यंत खुद फंसे हैं, दुष्यंत के लिए तो मुझे उचाना में ऐसा कहने वाले लोग मिले, एक चाय वाला मिला, बोला कि मैंने कहा क्या लगता है आपको उचाना में, हालांकि मैं इसको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि चाय वाला जो कह रहा हूँ सर्वे करके कह रहा है वो सही होगा, लेकिन हंस के बोला कि शर्त लगी है 1-1 लाख की, 5 लाख से कम नहीं आवेगा, 5,000 से कम नहीं आएगा। तो मुझे समझने में टाइम लगा कि ये तंज कर रहा है या क्या कर रहा है, फिर मैंने ये कहा क्या करो, 5 लाख से कम नहीं आएगा, 1 लाख, 5,000 से कम नहीं आएगा, 1 लाख की शर्त है। मतलब इस तरह की बात उचाना में कर रहे थे, लेकिन वही जुलाना में जैसे मैंने कहा कि जेजेपी को लेकर बहुत नाराजगी है, लेकिन वहां के जो अमरजीत ढांडा है कुछ लोग कह रहे थे कि वो काम अच्छा करें, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपके हिसाब से क्या कोर फैक्टर है जो हरियाणा के चुनाव के नतीजे को ओवरऑल प्रभावित करेगा, या यहाँ भी सीट टू सीट है? मिस गवर्नेंस, एंटी इनकम्बेंसी और पुअर फीडबैक रिड्रेसल सिस्टम, ये तीन सबसे बड़े मसले हैं जिनसे आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार जो पॉलिसीज लेके आई उसको इंप्लीमेंट किया, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आई तो उसकी रिड्रेसल के लिए सरकार के पास कुछ नहीं था, उसके लिए उन्होंने पोर्टल बना दिया, पोर्टल्स चल नहीं रहे थे, आम आदमी को इससे दिक्कत हुई। एक मसला है प्रॉपर्टी आईडी, अगर किसी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको किसी प्राइवेट कंपनी से उन्होंने एसेस कराया और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपको बहुत परेशानी है, उसको दुरुस्त करने का रास्ता नहीं है। आपको परिवार पहचान पत्र दिया, उसमें अगर बताया गया कि आपकी सैलरी 10,000 है, 12,000 है, तो उसमें फिर BPL से आपका नाम काट दिया गया, उसको ठीक करने का कोई साधन नहीं है। और इस तरह ढेरों चीज़ें, NOC लेनी पड़ेगी अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कुछ और खरीदना चाहते हैं, ये आम आदमी के जीवन को जोड़ती हुई चीज़ें हैं। सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, लेकिन जब दिक्कतें आई तो उनको सुनने के लिए विधायक मौजूद नहीं है, मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं कर रहे, पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी हैंडल कर रही है। आम आदमी से ब्यूरोक्रेसी का किस तरीके का तवक्को रहता है सर, आपको पता है उनका किस तरह का बातचीत रहती है। इस वजह से ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज भी जब विधायक वहाँ पर वापस जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, तो लोग यही कहते हैं कि आपके चलती नहीं है, विधायक यही कहते थे कि हमारी चलती नहीं, कोई सुनता नहीं है, तो आप लोग क्यों वोट मांगने के लिए आते हैं। ये ऐसे मसले हैं जो आम आदमी के जीवन में 5 साल 10 साल से लगातार लोग इसको परेशानी में रहे। एक जो सामाजिक जो हमारा फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक को जिस तरीके से इस BJP की हुकूमत में 10 साल में दिक्कत आई है, जैसे उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है लोगों के जहन में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगर हम लोग अपने गांव में देहात में भाईचारे से रह नहीं पाएंगे अगर ये सरकार आगे काम करती रही इस तरीके से। पहले भी हरियाणा में जाट गैर जाट की पॉलिटिक्स होती रही,
भजनलाल उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स वोट गिरने के साथ खत्म हो जाती, समाज पर उसका बुरा असर कभी नहीं पड़ा, लेकिन इस सरकार ने उस फैब्रिक को इतना डैमेज कर दिया कि आज समाज में भी ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के घरों में जाने में दिक्कत महसूस करने लगे कई साल तक। अब माहौल थोड़ा बदला है, सुधर रहा है, और उसी सुधरे हुए माहौल की वजह से आज बीजेपी को दिक्कत आ रही है। और तीसरा सर, सबसे बड़ा मसला है, इस चुनाव में कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है ये मैं बिल्कुल नहीं कहता, एक पुअर ओपोजिशन के तौर पर कांग्रेस रही, लेकिन विकल्पहीनता की स्थिति लोगों को कांग्रेस की तरफ लेके जा रही है, एक बात। दूसरी बात, जो अल्टरनेटिव पार्टीज होती हैं जेजेपी आईएनएलडी, उनके कमज़ोर पड़ने से उनका एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया और वो कांग्रेस को बहुत मजबूत बनाता है। और तीसरा, राहुल गांधी का जो उदय हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में एक बहुत लीडर बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, उसका एक बड़ा असर पड़ा है। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये जो और मसले हैं, किसान है, पहलवान है, ये मसले तो हैं ही हैं, तो इसलिए एक पूरा पैकेज बनता है जो बीजेपी के खिलाफ है। और आम आदमी आज इन तमाम परेशानियों को जूझता हुआ इनसे बचना चाहता है। बेरोजगारी की सरकार ने एक सीईटी का एक परीक्षा लेके आई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, 12 लाख छात्रों ने वो फॉर्म भरा 2021 में, आज तक वो फॉर्म भरने के बाद नौकरी नहीं मिली है, 2024 में हम बैठे हैं। 12 लाख की संख्या बढ़ के 15-18 लाख हो गई होगी, तो लोग उसके लिए धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई जवाब देने वाला नहीं है। इतनी सारी नौकरियां ऐसी हैं जिन पर नियुक्ति पत्र मिल गए हैं लेकिन उनको अभी भी नियुक्ति नहीं मिल रही है, वो लोग ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इतने ऐसी नौकरियां हैं जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं लेकिन उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा, उनको फाइनल सबमिशन के लिए नहीं बुलाया जा रहा। लोगों को एक सेंटर पे अगर किसी का एग्जामिनेशन है तो उसको वो सेंटर उसका घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इस तरह की छोटी छोटी रोजमर्रा की जो तकलीफें थी, यूरिया की लाइन है, यूरिया सरकार ने जो नीम कोटेड यूरिया की बड़ी बात करती है, लेकिन गाँव में जब किसान को फसल बीजने का वक्त होता है, यूरिया खरीदने का वक्त होता है, तो यूरिया की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उनके लिए टोकन सवेरे 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ के लेना पड़ता है। जिस घर में लड़कियां हैं वो 3 बजे रात को उठ के 4 बजे रात को उठ के उन लाइनों में कतारों में लगी रहती हैं, दिसंबर जनवरी की सर्दियों में सर। तो ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये सरकार के खिलाफ एक बड़ा पैकेज तैयार करती हैं और कांग्रेस पार्टी को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। मैं फिर अपने बात में कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कोई खास काम किया हो ऐसा नहीं दिखता है। कांग्रेस के मुकाबले में कई और दूसरे नेता जो है वो बहुत मुखर रहे, चाहे वो छोटे पार्टी में हो या उनका अपना कोई पॉलिटिकल मोटिव ना हो, वो लोग बड़े मुखर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सदी हुई चाल से चलती रही और अब उनको उसका बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद। जी सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हेमंत अत्री जी, क्लोजिंग जल्दी। एक छोटा सा एडिशन के लिए मैं कह रहा था कि जो बात की सारी उन सब से सहमत होते हुए उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, खासतौर पर राहुल गांधी का जब जिक्र आया, आपको ध्यान होगा जब ये बजरंग पुनिया और ये सारे लोग संघर्ष में थे, उसके बाद जैसे स्थिति हुई, राहुल गांधी सुबह सुबह 4:30 बजे अखाड़े में पहुंच गए थे जज्जर में, और उसमें और पहलवानों के साथ वो 2-3 घंटे रहे उनके साथ, चूल्हे बैठ के खाना खाया तमाम चीजें। उसके बाद अगर ध्यान हो आपको अजय जी, गोहाना के अंदर जो राहुल गांधी खेतों में पहुंच गए थे सुबह 7 बजे दलित परिवारों के बीच में, और वहीं तक बात सीमित नहीं, वहां 3-4 घंटे बिताए और नहीं, उन सारी महिलाओं को गाड़ी भेज करके दिल्ली बुलाया, अपने घर पे खाना खिलाया। दलित कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, हर वर्ग को अलग अलग, और किसान भी थे वहां पर और दूसरी समुदाय के भी थे, तो उन सबको बुलाया। और वहां पर क्या चर्चा हुई आपने देखा, सोनिया गांधी को भी आपने डांस करते हुए देखा होगा, सोनिया गांधी और प्रियंका डांस कर रही थी उन दलित महिलाओं के साथ, वो उनके डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही थी, और टू दैट एक्सटेंट ये भी बात हुई कि आप राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं करती, तो सोनिया ने कहा कि तुम उनके लिए लड़की क्यों नहीं देखती। तो उस तरह का जो एक कनेक्ट बना था वो हरियाणा में आपको ध्यान होगा बहुत जबरदस्त वायरल हुआ था, प्लस जो किसान जो एक ट्रक ड्राइवर थे उनके थ्रू साथ हरियाणा से क्रॉस हुए और सारे हुए, तो उन सारी चीजों का भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कांग्रेस को मुझे लगता है जब वो आएंगे यहाँ पर, चाहे राहुल आए चाहे प्रियंका आए, उसकी भी एक एडवांटेज एडिट मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। चलिए चलिए मैं खत्म करता हूँ, हालांकि मैं फिर कहूंगा कि मैं जितना संक्षिप्त घुमा आप दोनों हरियाणा के, उसमें हुडा फैक्टर बहुत दिखा, पोस्टर बैनर मुझे कहीं राहुल गांधी और प्रियंका का दिखाई नहीं, गांव-गांव में हुडा की बात लोग कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप हरियाणा में बाकी दूसरी राज्यों की तुलना में ज्यादा
इम्पावर्ड है या पावरफुल है या जिस ढंग से उन्होंने काम किया उसकी वजह है। लेकिन चलिए फिलहाल इस बातचीत को खत्म करते, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह स्योरान साहब और हेमंत अत्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी शुक्रिया देखने के लिए और लगातार हरियाणा का कवरेज, दो दिन के बाद से मैं फिर हरियाणा में रहूंगा और लगातार अलग अलग जिलों से देखते रह सकते हैं। नमस्कार।